एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाज के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हम कंधे से कंधा मिलाकर के इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पर मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास। हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं। ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक हैं, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी हैं, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों के कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए तो ऊपर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए
2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है, हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाज के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है, मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान मान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा, और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है, जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है, और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके कहीं जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाए। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति
परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं, परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत मैं मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजे बात की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक उस देश तक तो पहुंच जाते थे, जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था। लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं।